हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में युवती संदिग्ध हालत में मौत के बाद प्रदर्शन के दौरान पुलिस चौकी पर भारी डाडा सीबा के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कस गया है। पुलिस ने चौकी पर भारी के साथ मारपीट करने और उसकी वर्दी फाड़ने के आरोप में केस दर्ज कर 12 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। एएसआई से मारपीट के वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी महिलाओं सहित कईयों को नामजद किया है। पुलिस अधिकारी से मारपीट करने व उन्हें उकसाने वालों को आइडेंटिफाई कर रही है। डीएसपी आरएस राणा ने इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि जल्द ही सभी महिलाओं को देहरा कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि संदिग्ध अवस्था में मिले युवक के शव को लेकर पुलिस छानबीन करने के लिए मौके पर गई थी। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं ने इस विषय को लेकर चक्का जाम कर दिया था और पुलिस एएसआई को मारपीट कर उनकी वर्दी तक फाड़ दी थी। वहीं उन्होंने बताया कि 35 वर्षीय युवक मर्डर केस में जल्द गिरफ्तार होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू की बारीकियों से जांच कर रही है, जल्दी आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसमें भी केस रजिस्टर कर दिया है और उसमें कुछ लोगों जो वीडियो में क्लियर दिख रहे हैं, जो वीडियो क्लियर दिख रही है उनके खिलाफ जो है आज हमने अरेस्ट कर लिया और दूसरे केस में भी मर्डर वाले केस में लेडीज को अरेस्ट कर रहे हैं। दरअसल गुरुवार को कांगड़ा के ब्लॉक खंड परागपुर के तहत ग्राम पंचायत टिपरी गांव लुसियार में 35 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस पूरे मामले में मृतक के 7 साल के बच्चे ने बताया कि उसकी मां और गांव के ही एक व्यक्ति ने उसके पिता की हत्या की है। इस मामले पर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे थे। लोगों और परिजनों की मांग थी कि आरोपियों को हिरासत में लिया जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर लोग बिफर गए और जमकर बवाल किया, जिसके बाद मृतक के परिजन व उनके रिश्तेदार पुलिस चौकी में शव को लेकर धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं। इस पर चौकी इंचार्ज ने प्रयास किया कि वो गांव में ही चले जाएं, जिसके चलते चौकी इंचार्ज गांव जा रहे थे और मृतक के परिजन व रिश्तेदार आ रहे थे, तो रास्ते में अपर भलवाल में चौकी इंचार्ज ने गाड़ियों को रोका और ग्रामीण व परिजनों से बात करने की कोशिश की तो ग्रामीण उत्तेजित हो गए। इस पर ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की और वर्दी पर भी छीना झपटी की और उनके ऑफिशियल मोबाइल को स्नैच कर लिया।